जैसे कि आज हम आपको हल्दी और चंदन से बने क्रीम के बारे में बताएंगे। इस क्रीम का उपयोग, जैसे कि ये क्रीम हमारे चेहरे को गोरा करता है, यानी हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्रीम हमारे चेहरे को गोरा करता है, चेहरे पर शाइनिंग लाता है, जिससे चेहरा खूबसूरत और अच्छा दिखाई देता है। जैसे कि यदि आपके फेस पर किसी भी प्रकार से अगर पिंपल्स की समस्या रहता है तो उसे भी ठीक करता है, या फिर चेहरे पर एक्ने की समस्या रहता है तो उसे भी ये ठीक करता है। और जैसे कि ये हमारे स्किन को शाइनिंग करता है, जिससे जो हमारा त्वचा है वो सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। और जैसे कि ये क्रीम क्या काम करता है, यदि आपके फेस पर, यदि आपके त्वचा पर डार्क स्पॉट की समस्या रहता है, यानी अगर स्पॉट छोटे छोटे दानों की समस्या रहता है या फिर फोड़े फुंसी की समस्या रहता है आपके त्वचा पर, ये कंटिन्यू आपके फेस पर निकलता रहता है, तो इन सारी समस्याओं को ये क्रीम जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि ये क्रीम आपने देखा होगा, आप धूप में निकलते हैं, धूप में निकलने के कारण जो आपका स्किन है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाता है, जैसे कि स्किन है जो कड़ा कड़ा सा हो जाता है, गालों में काफ़ी ज़्यादा जलन की समस्या होने लगती है, त्वचा पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं त्वचा रूखी हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं में आप ये हल्दी चंदन का क्रीम आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है। और जैसे कि ये क्रीम आपके स्किन को गोरा करता है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये आपके स्किन पर अगर किसी भी प्रकार से कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है स्किन पर, या फिर आप धूप में रहने के कारण, या फिर आप कहीं जाते हैं उसके वजह से धूल या वातावरण या प्रदूषण के कारण आपके स्किन पर किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या होता है, तो ये क्रीम इन सारी समस्याओं को ठीक करता है। और जैसे कि इस क्रीम का जो मुख्य काम होता है, ये क्रीम आपके स्किन को नेचुरल रूप से यानी अच्छे तरीके से ये आपके स्किन को देखभाल करता है और स्किन में खूबसूरती और नमी प्रदान करता है। और जैसे कि आपको ये भी देखने को मिलेगा, इस क्रीम का जो सबसे बेस्ट काम होता है, आप अपने स्किन यानी आप अपने फेस पर बहुत ज़्यादा क्रीम या बहुत ज़्यादा कोई फेस वाश या फिर बहुत ज़्यादा कोई लोशन लगा चुके होते हैं, जब तक आप क्रीम या फिर लोशन आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तब तक आपके स्किन पर शाइनिंग रहता है। जैसे ही आप वो फेस वाश या फिर क्रीम आप अपने फेस पर लगाना बंद कर देते हैं, फिर आपका जो फेस है यानी जो आपका फेस का स्किन है वो एकदम पहले के जैसा हो जाता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप लगाते रहेंगे तो आपके चेहरे पर खूबसूरती और एक प्रकार से शाइनिंग हमेशा बना रहेगा। और जैसे कि ये हल्दी चंदन आप अपने फेस पर नहीं लगाएंगे तब भी आपका जो स्किन है ये काफ़ी महीनों तक पहले के जैसा आपका स्किन सुंदर और अच्छा दिखाई देगा। ये एक प्रकार से हल्दी और चंदन से बना हुआ क्रीम है, ये काफ़ी अच्छा क्रीम होता है स्किन के लिए, यानी स्किन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो उन सारी समस्याओं को ये क्रीम ठीक करता है। और जैसे कि अगर आपके स्किन पर डार्क स्पॉट जैसी समस्या है तो ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट जैसी समस्याओं को भी ठीक करने का काम करता है। जैसे कि ये क्रीम हमारे चेहरे को सुंदर और खूबसूरत बनाता है, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये क्रीम लगाने से हमारे फेस पर काफ़ी ज़्यादा चमक देखने को मिलेगा और एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे फेस पर किसी भी प्रकार से कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है तो इन सारी समस्याओं को ये क्रीम ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपके फेस पर किसी भी कारण से अगर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि यदि आपके फेस पर दाग धब्बे की समस्या रहता है, जैसे कि आपको बहुत टाइम पहले या पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या हो गया हो और वो ठीक हो जाता है, उसके बाद में आपके फेस पर दाग धब्बे की समस्या रहता है, तो इन सारी समस्याओं को ये क्रीम ठीक करने का काम करता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर आपके फेस पर दाग धब्बे की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये क्रीम ठीक करने का काम करता है। ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर आपके आसपास के दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये क्रीम आपके स्किन को सॉफ्ट और अच्छा बनाएगा, चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम लगाना कैसे होता है। जैसे कि खासकर अगर आप रात के टाइम ये क्रीम का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये क्रीम आप लगाने से पहले आप अपने फेस को पानी से धुलने के बाद में आप अपने फेस को तौलिया में या फिर साफ कपड़े में आप अपने फेस को पोंछें, उसके बाद में ये क्रीम आप अपनी उंगली में लेके आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें। जैसे कि अगर आप रात के टाइम लगाते हैं तो ये आपके स्किन पर काफ़ी अच्छा
इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये क्रीम आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, या फिर दिन में 3 बार भी ये क्रीम आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप ये क्रीम लगाएं तो आपको कोई भी क्रीम आप अपने फेस यानी अपने स्किन पर अप्लाई नहीं करना होता है। इस क्रीम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि जब आप ये क्रीम अप्लाई करें तो आपको खास कर ध्यान रखना है, कोई भी जेल कोई भी क्रीम आपको इसके साथ में मिक्सर करके आप अपने स्किन पर अप्लाई नहीं करना होता है। अगर आप इस क्रीम के साथ में कोई भी क्रीम मिक्सर करके अपने स्किन या अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे आपके स्किन पर जलन की समस्या हो सकती है, ईचिंग की समस्या हो सकती है, और हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एकदम खुजलाहट की भी समस्या आपके स्किन पर हो सकती है। तो कभी भी इस क्रीम के साथ में आपको कोई भी और क्रीम अपने स्किन पर अप्लाई नहीं करना होता है। ये क्रीम आप जैसे कि 60 रुपये में, 70 रुपये में, 180 रुपये में, 75 रुपये में, सबसे छोटा पैक इसका आता है, वो आप किसी भी दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। और जैसे कि यदि आपको ये क्रीम नहीं मिलता है तब आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आपको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट देखने को मिलेगा।